यस, हम अपना चैप्टर कौन सा खत्म कर चुके हैं? हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हमारा 8 चैप्टर है इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। इनोवेशन बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। हम अपना ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हमने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी थी, उसमें कैसे हम उसमें हाउ वी गेट अ ई बैंकिंग, मतलब कैसे हम उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस। अब हमारा यूनिट 2 में चैप्टर 8 और एक चैप्टर 9 है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। इसके बाद चैप्टर 8 है हमारा इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर। हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें क्या क्या इनोवेशन हुआ, और हमारा बैंकिंग सेक्टर जो था वो पहले भी ऐसा था? नहीं, हमारे बैंकिंग में बहुत सारे चेंजेस हुए आफ्टर 1947 हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद आफ्टर 1991 जब हमारे एलपीजी, जो मैंने आपको एक स्कीम बताई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? देयर हैज बीन वेरियस वाइड स्प्रेड लॉन्ग लास्टिंग अनइमेजिनेबल चेंजेस इन द इंडियन बैंकिंग सिनेरियो इन द पास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, वाइड स्प्रेड, बढ़ता हुआ, अनइमेजिनेबल, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे चेंजेस हुए हैं इंडियन बैंकिंग में, ठीक है। 1931-35 के बाद जब हमारा कौन आया, आरबीआई आया, उसके बाद तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। आरबीआई ने इतने रूल सेटअप किए कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, हमारी इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जाए। फिर 1990 के बाद हमारे कौन थे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिस्टर डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारे मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों में बहुत सारा किया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं, उस टाइम पे भी बहुत चेंजेस हुए हमारे बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। There has been nomenclature as innovative banking. Many new trait has been seen in the Indian banking system after independence. बहुत कुछ देखने को मिला हमें किसके बाद, हमारी आजादी के बाद, 1947 के बाद, ठीक है। The waves of changes in the bank has not stopped yet. आज भी अभी खत्म नहीं हुआ innovation, आज भी बढ़ता हुआ है कौन, हमारा innovation, ठीक है। It is trying to adjust itself according to time, place, situation. Bank कहते हैं हम अपने आपको ऐसे adjust कर रहे हैं हर time में, हम अपने आपको एडजस्ट कर रहे हैं हर प्लेस में, हर सिचुएशन में। बैंक अभी पूरी तरीके से इसमें कहते हैं वेव्स ऑफ चेंज, बैंक इज नॉट येट स्टॉप, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो बढ़ रहा है, अभी भी हमारे यहाँ पे इनोवेशन हो रहा है, किसमें, बैंकिंग सेक्टर में। इट इज ट्राइंग टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया क्या था हमारा इनोवेशन, अब एक और चीज देखते हैं। दीज चेंजेस आर नॉट ओनली मल्टी डायमेंशनल, कंस्ट्रक्टिव, कॉन्सेप्शनल, दीज चेंजेस हैव हेल्प द इंडियन बैंकिंग अर्बन ओरिएंटेड टू रूरल ओरिएंटेड। आज हम कहते हैं कि अलवर में ही बैंक है, नहीं, यहां से बाहर जाओ, खैरतल, तिजारा, यहां पे भी बैंक है आपके, यहां पे भी एटीएम है हर गली के बाहर निकलते, तो उसका यही मतलब है। और अर्बन ओरिएंटेड टू रूरल ओरिएंटेड, स्पेशल सेक्शन ओरिएंटेड टू पब्लिक, ऐसी पब्लिक के लिए जिनको नीड है और लेकिन वो रहते कहाँ हैं, रूरल एरियाज में, उनके लिए भी बैंक्स हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन रियलाइज्ड इन द कंट्री दैट बैंकिंग इज द मेन मोटिवेशनल दैट कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ हेल्प टू ऑल, हैप्पीनेस टू ऑल, मदद करो सबकी और खुशियां दो सबको, हेल्प टू ऑल, हैप्पीनेस टू ऑल। हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है इनोवेशन कैसा हुआ था हमारा बैंकिंग सेक्टर का, कैसे कहां से कहां पे कन्वर्ट हुआ था कौन हमारा बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और भी है अभी इनोवेशन में हमारा, वेट। अब हम मॉडर्न ट्रेड्स देखेंगे, ये 31 पॉइंट्स हमारे मॉडर्न ट्रेड्स में, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 31 नेक्स्ट है द मॉडर्न ट्रेड ऑफ इंडियन बैंकिंग कैन बी एक्सप्लेन। हमने पढ़ लिया हमारा इनोवेशन कैसे हुआ, बैंकिंग सेक्टर एकदम से आज इतने हाई स्केल पे है, लोग अपने डिपॉजिट करवा रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट है बैंक पे, पहले ऐसा नहीं होता था, तो हमने ये सब चीजें पढ़ ली बच्चों। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मॉडर्न ट्रेड ऑफ इंडियन बैंकिंग कैन बी एक्सप्लेन। अगर आपने मेरी रेगुलर वीडियोस देखी हो तो हम इस चैप्टर 2 स्टडी ऑफ कमर्शियल बैंक में ये चीजें पढ़ चुके हैं, उसमें टॉपिक था रीसेंट ट्रेंड इन कमर्शियल बैंक, इसमें भी सेम है,
थोड़ी बहुत चीजें चेंज है, ठीक है। द मॉडर्न ट्रेट ऑफ इंडियन बैंकिंग कैन बी एक्सप्लेन, ये पूरे 31 है, ये तो अभी मैंने 7 लिखे हैं, ये पूरे 31 है, अभी हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंशन इन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ किसमें, पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग में। अनप्रेसिडेंट ब्रांच एक्सपेंशन, आज हमारी एक ब्रांच है, उसके एक ब्रांच है, उसके इतने सारे एक्सपेंशन हो गए ब्रांच के, ठीक है। एनकरेजमेंट ऑफ बैंक अमेलगमेशन, हमने पढ़ा था अमेलगमेशन का मीनिंग क्या होता है, हमने अमेलगमेशन का मीनिंग पढ़ा था, पहले जो वीक बैंक्स थे उनको हम एक स्ट्रांग बैंक में मर्ज कर देते हैं, ऐसा बहुत हुआ, क्यों, जो वीक बैंक है उसका भी काम बना रहे और जो एक स्ट्रांग बैंक है वो एक वीक बैंक को हेल्प करे, तो मर्ज होने लग गए, ठीक है, बहुत सारे बैंक एक दूसरे में। मोर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था रूरल एरिया, रूरल ओरिएंटेड टू अर्बन, अर्बन ओरिएंटेड टू रूरल ओरिएंटेड, तो उसमें क्या हुआ, हमारा एक्सपेंशन हुआ रूरल एरियाज में, किसका, बैंकिंग की फैसिलिटीज का, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड राइज इन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट हमारी भरी, लोगों ने अपनी डिपॉजिट जमा कराई क्योंकि उनको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था। अब जो हमारे यहाँ के किसान है, आज के भी किसान हमारे यहाँ पे, अभी उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके साथ, क्यों, क्योंकि वो जो एक पंचायती राज और पहले होता था उसमें एक बहुत बड़ा पंचायती होता था, एक अंकल टाइप बूढ़े से, उनको वो पैसा देते थे, उनको बैंक का तो रेट पता नहीं था कि 3% है और 4% है, उन्होंने उनसे लिए 500, उस टाइम में 500 रुपए बहुत बड़ी चीज होते थे किसानों के लिए अपनी खेती बाड़ी को करने, उन्होंने 500 रुपए उधार लिए, 500 पे उनको 7% इंटरेस्ट देना पड़ता था, अगली बार 500 लिए 1000, ऐसे करते करते उनके पैसे बढ़ते ही जाते थे, तो उनको ये नहीं पता था कि बैंक में भी पैसे डलते हैं और हमें इंटरेस्ट कम रेट पे देना पड़ता है बैंक को। तो अब जब उनको पता चला तो उन्होंने अपनी अनएक्सपेक्टेड राइज इन डिपॉजिट, अपनी डिपॉजिट करवाई, ठीक है, जब से आरबीआई आया, लोगों का ट्रस्ट बना, तब से क्या हुआ, डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़ी। एक्सपेंशन इन क्रेडिट फैसिलिटी, लोन देने की फैसिलिटी बढ़ी, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, उधार का हमारा सीधा मतलब है लोन से, ठीक है। क्रेडिट डिस्पोजिट रेशियो, जो हमारे उधार का जो रेशियो है वो भी बढ़ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है ये सातों पॉइंट, इनको एक्सप्लेनेशन देखनी है इनकी। अब मेरे सेकंड चैप्टर की वीडियो और स्टडी ऑफ कमर्शियल बैंक में एक टॉपिक मैंने कवर किया है, रीसेंट ट्रेंड ऑफ कमर्शियल बैंक, उसमें ये है, ठीक है। सेवन पॉइंट हो गए, सेवन और आ गए, देखो कैसे, मोर लोन फैसिलिटीज टू प्रायोरिटी और नेग्लेक्टेड सेक्टर। बेटा मैंने आपको बच्चों को बताया था कि प्रायोरिटी और नेग्लेक्टेड सेक्टर मतलब हमारी फार्मिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हमारी नेग्लेक्टेड सेक्टर है उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट रेशियो SLR, डिपॉजिट इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ आरबीआई, जब 1931 के बाद जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद 1949 का उसका नेशनलाइजेशन है, उन सब के बीच में जो कंट्रोल था आरबीआई का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, किस पे, कमर्शियल बैंक पे, क्योंकि एक हमें रूल करने के लिए कोई चाहिए था जिस जो कंट्रोल कर सके हमारे इतने सारे कमर्शियल बैंक को, वो था हमारा आरबीआई, उसका रोल भी बढ़ चुका था, जो कंट्रोल करने का रोल था बढ़ चुका था। लीड बैंक स्कीम्स, हमारी अलग अलग स्कीम्स आने लग गई थी, और जो लोग हिंदी, जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते उनका क्या, तो अब उन्होंने क्या किया, आरबीआई ने क्या कहा कि प्रोटेक्शन और प्रमोशन होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज का। आज भी हम जाते हैं बैंक में, हम देखते हैं कोई एक इंसान है जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे फिल करना है, हमें अकाउंट का एक फॉर्म मिलता है, हमें उसको कैसे फिल करना है, वो पूछता भी है ना, तो अब लोग उनको आराम से बताते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, उसको आराम से हिंदी में बिठा के समझाते हैं कि सर आप ऐसे भरो, यहाँ पे अपने फादर नेम, यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी जन्मतिथि, वो उनको आराम से बिठा के बताते हैं आज के टाइम में, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता, चल 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 देखो कुछ नहीं आता, ऐसे बोल के उनको डिमोटिवेट कर देते थे। तो ये सब हुआ हमारे किसमें, मॉडर्न ट्रेंड ऑफ इंडियन बैंकिंग में, प्रमोशन हुआ, प्रोटेक्शन हुआ किसका, हिंदी की लैंग्वेज का, ठीक है। हम उसको हिंदी में समझाते हैं, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ DOB D.B, अब तो फॉर्म भरते हैं तो उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ जन्मतिथि, पहले नहीं होता था, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी। अपना SLR क्या है, जो अपने स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, ये भी, ये हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की स्कीम्स बढ़ी, ठीक है, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। ये हमारे कितने 14, अभी हमारे कितने बचे 16 पॉइंट्स और है।
देखो नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, न्यू बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। सोशल बैंकिंग हुई, ठीक है, हमारे यहाँ पे सोशल बैंकिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद हमारा साउंड मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, साउंड मैनेजमेंट सिस्टम मतलब अच्छा सिस्टम हुआ। रोल ऑफ बैंकिंग इन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो बैंक का रोल था वो कहाँ पे भरा, रूरल एरियाज में, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक का रोल भरा। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड बैंक, नई नई स्कीम्स आई, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो अपन फोर्थ चैप्टर पढ़ चुके हैं, अपना चैप्टर थर्ड है हमारा नाबार्ड, है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। नाबार्ड एक्चुअल में क्या है, वो भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ये सब और भी हैं अभी हमारे 1920 और। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी आई हमारे बैंक में। आज हम बैंक में जाते हैं, हमने 10,000 रुपीज निकाले हैं, तो हमारे कैशियर जो होता है वो नहीं गिनता कि 10,000 है, एक मशीन है वो गिनती है दर दर। अगर हम कभी बैंक में जाके नोटिस करें ना, कभी जाना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नोटिस करना, हमने जब 500 रुपए भी निकलवाए तो वो तो एक नोट आ जाएगा। मान लो आपने 2,000 के 3 नोट निकलवाए 6,000, तो वो 3 नोट गिनता है। ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी किसमें आई, बैंक में आई। सारा काम हमारा कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, क्रेडिट कार्ड और ये सब, ठीक है। डिस्टेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म हो रहा है हमारा, ठीक है, हम इतनी दूर तक भी अपने पैसे लेने देने का काम कर सकते हैं, कुछ भी ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज हमने पढ़ा हेल्प टू ऑल, अभी हमने इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर में एक लाइन पढ़ी थी, हेल्प टू ऑल हैप्पीनेस टू ऑल, वो कस्टमर से रिलेटेड है, हमारी कस्टमर सर्विस बहुत बढ़ रही है। बिल मार्केट, बिल कल्चर, मतलब हमारा बिल मार्केट बहुत बढ़ रहा है। अभी हमारा एक नया चैप्टर आएगा अभी, मार्केट और कैपिटल मार्केट, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम फैसिलिटी हर जगह है, हमने हर बैंक का अपना खुद का एक एटीएम है, या तो ब्रांच के अंदर ही या फिर हमारा कहीं थोड़ा सा दूर ब्रांच से, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इंटरनेट बैंकिंग, जो अभी हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट के थ्रू तो ही होती है, इंटरनेट बैंकिंग का वही मतलब है, ठीक है। हमने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा था, हमारी एक पूरी वीडियो है ई बैंकिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होम बैंकिंग फैसिलिटीज, हमें बैठे बैठे हमें सिर्फ अपना पिन नंबर लेना है, क्या है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लेके हम अपना होम बैंकिंग फैसिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। न्यू अट्रैक्टिव स्कीम में भी बहुत सारी स्कीम है, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट्स के बाद। मल्टी सेक्शन बैंक अकाउंट, हमारे एक अकाउंट नहीं है आज, आज हमारे SBI के अंदर ही 3-4 अकाउंट है, तो उसका मतलब है मल्टी सेक्शन बैंक अकाउंट, एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बैंक अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे न्यू अट्रैक्टिव स्कीम में हमारी 7 to 8 स्कीम्स है, ठीक है, वो देखेंगे। देखो नेक्स्ट, एक हमारा बहुत न्यू अट्रैक्टिव स्कीम, ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे हैं। कंज्यूमर लोन स्कीम आई थी एक हमने, मोबाइल बैंक और मोबाइल बैंकिंग में बहुत फर्क है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देखते हैं। बेटा मोबाइल बैंक क्या होता है, ये मोबाइल बैंक है, ठीक है। मोबाइल बैंक क्या होता है, मान लो आज से 10-15 साल पहले, आज भी कई ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे बैंक नहीं है, वहां पे बैंक अपनी एक वैन भेजता है, ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन करवाता है। अगर उनको लगता है कि वहां पे हम अगर बैंक एस्टेब्लिश करें तो हमारा बैंक चलेगा, मतलब हमारा पैसे से पैसा बनेगा, वो वाली चीज है, ठीक है। तो वहां पे मोबाइल बैंक होता है, ठीक है, फिर वहां पे थोड़े दिनों के बाद एक बैंक सेटअप हो जाता है, ठीक है। माइनर सेविंग स्कीम, छोटी छोटी सेविंग स्कीम्स या गिफ्ट स्कीम मिलती है हमें हमारी डिपॉजिट पे, फ्लाई नाउ पे लेटर, उड़ जाओ बाद में दे देना, इसका मतलब ये है, मतलब इसमें हमें क्या होता है कि हमें किसकी फैसिलिटी मिलती है, फ्लाइट्स की फैसिलिटी मिलती है, कि अभी तो आप घूमाओ, इसमें टाइम होता है 2-3 साल का, उसके बाद उसमें पेमेंट कर दो, ठीक है, मंथ्स होते हैं कुछ समथिंग, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, हमने इतना बड़ा पड़ा है अभी क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है, वो बहुत मेन टॉपिक था उस चैप्टर का, है ना। टूरिस्ट बैंकिंग, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीजें थी, चैप्टर कंप्लीट हो गया इनोवेशन बैंकिंग सेक्टर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।